गाजा में इजरायली सेना पर सैन्य कार्रवाई के नाम पर कत्लेआम का आरोप लग रहा है। IDF गाजा के अलग अलग हिस्सों में भीषण बमबारी कर जमकर उत्पात मचा रही है। गाजा में लगातार सामने आ रही बर्बरता पर अमेरिका, ब्रिटेन और UN समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन चिंता जता चुके हैं। बावजूद इसके इजरायली PM नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल में ब्रिटेन की सुनक सरकार ने गाजा में ब्रिटिश सेना को तैनात किया। माना जा रहा है कि ब्रिटेन के इस कदम से नेतन्याहू के इरादों पर पानी फिर सकता है, मगर गाजा में राहत बचाव दल के रूप में तैनात ब्रिटिश सैनिकों की ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन ने ब्रिटिश सेना की तैनाती पर कड़ा एतराज जताते हुए चेतावनी दी है। PFLP ने कहा कि गाजा या उसके तट पर तैनात ब्रिटिश सैनिकों को कब्जा करने वाली सेना के रूप में माना जाएगा, उस पर इजरायली सेना की ही तरह हमले किए जाएंगे। गाजा के लोगों की मदद करने के लिए इन बलों को भेजने का औचित्य एक झूठ है। गाजा में विदेशी सैन्य बलों की मौजूदगी भयावह उपनिवेशिक उद्देश्यों और इजरायली शासन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए है। जो फिलिस्तीनियों की मदद करना चाहते हैं उसे हमलों को रोकने, घेराबंदी तोड़ने और फिलिस्तीनी प्रबंधन के तहत गाजा में आधिकारिक क्रॉसिंग के जरिए सहायता के प्रवेश की अनुमति देने के लिए दबाव डालना चाहिए। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी BBC के मुताबिक अमेरिकी सेना की ओर से निर्माणाधीन एक बंदरगाह से गाजा को सहायता पहुंचाने के लिए ब्रिटिश सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। वेट बूट्स नाम से चर्चित ब्रिटेन की सेनाएं एक अस्थायी रास्ते पर ट्रैक ऑपरेट करेंगी और एक नया समुद्री रास्ता खुलने के बाद एक वितरण सहायता पहुंचाएंगी। ब्रिटिश सैन्य योजनाकार वर्तमान में फ्लोरिडा में US सेंट्रल कमांड के साथ साथ साइप्रस में भी कार्यरत हैं, जहां गाजा को शिपमेंट से पहले सहायता की जांच की जाएगी। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते मार्च महीने में बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की थी। बताया तो ये भी जाता है कि इजरायली PM नेतन्याहू ने जंग शुरू होने के बाद ही बाइडेन को ये विचार सुझाया था। नेतन्याहू ने हाल ही में सुझाव दिया था कि बंदरगाह गाजा वासियों को अन्य देशों में जाने में मदद कर सकता है। हालांकि PFLP ने मार्च में चेतावनी जारी कर कहा था कि गाजा तट पर एक बंदरगाह बनाने की अमेरिकी योजना संदिग्ध और संदेहास्पद है। इससे मानवीय और अन्य बहानों के तहत गाजा की आबादी के जबरन विस्थापन का दरवाजा खुल जाएगा। वहीं PFLP ब्रिटेन के हालिया कदम को इतिहास से जोड़कर भी देख रहा है। संगठन ने साल 1917 के बालफोर घोषणा की निंदा की, जिसके तहत इसराइल वजूद में आया। PFLP ने कहा कि हमारे लोग फिलिस्तीनियों के खिलाफ ब्रिटेन की ओर से किए गए बड़े अपराध को नहीं भूलेंगे। बहरहाल आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि ब्रिटेन इस धमकी को कितना गंभीरता से लेता है और फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने में अमेरिकी सेना की सहायता के लिए गाजा में जमीन पर गतिविधियां आगे बढ़ाता है या नहीं।